और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से न्यूज स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की है, जहां नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस के जो नेता मंच पर काली पट्टी लगाकर आए हैं, उन्हें तो आंख पर भी काली पट्टी लगानी चाहिए थी। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं का जितना सम्मान करते हैं उतना कोई नहीं करता। सर, बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो काला पट्टा पहनकर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दमनकारी हो गए हैं और हम लोग पर लाठीचार्ज करवा। मैं तो मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है दमन करने का, हिटलर शाही का, भूले नहीं है लोग इंदिरा का शासनकाल, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया इस राज्य देश में और आज इस देश के विकास को किसी ने रोका था तो वो कांग्रेस ने रोका था। उनको कालिक पट्टी नहीं, माथे मुंह पे अपने कालिक पोत के घूमना चाहिए। नितिन नवीन जी, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कल सदन में जिस तरीके से किया जी ने, जब आज तक इस देश में महिलाओं का सम्मान में मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकार दिया, सम्मान दिया, ये लोग दिए हैं आज तक क्या ऐसा कोई भी काम बताइए कि जिन्होंने महिलाओं के लिए लोगों ने किया हो। केवल एक परिवार के लिए ये राज करने वाले लोग आज महिला की बात कर रहे हैं। समाज अभी तो कह रहे हैं सर, तेजस्वी यादव हैं कहाँ, किस लोक में है पहले पता कीजिए। जिन कार्यकर्ताओं और विधायकों के माथा पर ठीकरा फोड़ कर निकल गए विदेश भ्रमण पर, आज वो विधायक और कार्यकर्ता ही कुछ नज़र भी आ रहे हैं, उनके नेता नदारद हैं, तो जब वो पृथ्वी लोक पे आएंगे तब उनका जवाब दिया जाएगा। सर, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन साहब कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद नदारद हैं और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार का दमनकारी चेहरा नज़र आ रहा है, ज़रा ये बताएं कि नीतीश कुमार ने ही महिलाओं के लिए किया और जो कांग्रेस काला पट्टा लगाकर मुंह पर आई है उन्हें आंख पर भी काला पट्टा लगाकर आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।